Everyone, welcome to Current Crunch. तो आज हम करने जा रहे हैं Max Weber. In detail, जो वीडियो है है का वो आपको मिल जाएगा मेरी में ठीक है? और यहाँ पे हम करेंगे एक सीरीज चल रही है जहां पे हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है मैक्स वेबर के वो रिवाइज करेंगे ठीक है आ, मैं रैपिड रिविजन क्यों लेके आ रही हूँ क्योंकि इन डिटेल जो मैक्स वेबर है वो मैंने नितिन सागमोन सर की प्ले लिस्ट जो है मेरी चैनल में उसमें ऑलरेडी कवर कर दिया है वो वीडियोस में इस प्लेलिस्ट में भी अटैच कर दूंगी ठीक है छह थिंकर्स हैं जो हमने अनितिन सांगवान सर की बुक से पढ़े थे इन डिटेल जब ये थे छह थिंकर्स हमारे कवर हो जाएंगे तो हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज वहीं स्टॉप हो जाएगी उसके बाद के जो थिंकर्स हैं वो फिर हम इन डिटेल इसी जो प्ले है उसमें कवर करेंगे तो आई होप आपको मेरी बात क्लियर होगी मैं हर वीडियो से पहले ये चीज जो है आपके लिए रिपीट कर रही हूँ तो यहाँ पे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किसके मैक्स वेबर के इनको इंटरप्रिटेटिव अप्रोच uh, जो है वो फॉलो करते थे इंटरप्रिटेटिव स्कूल से बिलोंग करते थे तो इंटरप्रिटेटिव क्या होता है बेसिकली फोकस करते थे चीज़ों को इंटरप्रेट करने में इनका ध्यान ज़्यादा था ये कहते थे मीनिंग्स uh, जो है इंडिविजुअल ने जो मीनिंग दिया है आपको अपने एक्शन को जो इंडिविजुअल मीनिंग देगा उसको इंटरप्रेट करो ठीक है तो माइक्रो एनालिसिस पे ये बिलीव करते थे इन्होंने ब्रिज की थी गैप बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड आइडियलिज्म आइडियलिज्म यू नो कि जो आपका माइंड का इनहेरेंट स्ट्रक्चर है वहाँ से जो आइडियाज आते हैं वो आपके नॉलेज से रिलेटेड होती हैं मतलब नॉलेज एंड आइडियोलॉजी का रिलेशन है पॉजिटिविज्म मीन्स कॉज एंड इफेक्ट से आप चीजों को समझो जैसे आप नेचुरल साइंस को स्टडी करते हो वैसे आप सोशलॉजी को भी स्टडी करो तो इन्होंने गैप कैसे ब्रिज की थी क्योंकि इन्होंने माइंड के रिलेटेड बात तो की थी ना की जो इंडिविजुअल अपने एक्शन को जो मीनिंग दे रहा है वो मीनिंग समझो एक इंडिविजुअल का मीनिंग समझो उसके मीनिंग को इंटरप्रेट करो लेकिन किस मेथड से इंटरप्रेट करो उन्हीं मेथड से जो आप नेचुरल साइंस में यूज करते हो ठीक है तो ऑब्जेक्टिवली आप चीजों को ऑब्जर्व करो ये इनका कहना था सब्जेक्ट मैटर इन्होंने सोशोलॉजी का कहा था इज सोशल एक्शन ठीक है तो अभी जैसे हम दुर्खेम ने क्या कहा था सोशोलॉजी सोशल फैक्ट कहा था इन्होंने इन्होंने सोशल सोशल एक्शन एक्शन देखो को क्या बोला था उससे पहले हम थोड़ा ही रेज कर लेती हूँ बेसिकली सोशल एक्शन जो एक एक्टर परफॉर्म करता है लेकिन उस सोशल एक्शन का कोई मीनिंग होता है दैट मीन्स वो बस ऐसे ही कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है वो जो सोशल एक्ट कर रहा है उसके पीछे कोई मीनिंग है ठीक है वो मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं सोशल एक्शन क्या होता है कि जो भी आप एक्शन कर रहे हो उसका कोई मीनिंग है दैट मीन्स रैंडमली कोई एक्ट करना आप खड़े रह के कहीं पे स्नीज कर रहे हो ठीक है या यून कर रहे हो वो कोई सोशल एक्शन नहीं है उसको इंडिविजुअल कोई मीनिंग देता है एंड सेकेंडली ये पहला इंपॉर्टेंट चीज है सोशल एक्शन में वेबर की एंड सेकेंड इज इट शुड बी ऑरिएड ट्स अदर इंडिविजुअल ओरियंटेड टुवर्ड्स अदर इंडिविजुअल दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि दो फिजिकल प्रेजेंस ना हो लेकिन ऑरियंटेड हो टुवर्ड्स अदर इंडिविजुअल फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेजेंट होगा फिजिकली वो तो एग्जाम्पल क्लियर है जैसे सोल्जर्स हैं वो जाते हैं फाइट करने अपनी कंट्री के लिए उनके एक्शन का कोई मीनिंग तो होता ही है एंड दट इज ऑल्सो ओरिएटेड टुवर्ड्स अदर इंडिव्यजुअल क्योंकि वो हम लोगों की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं बॉर्डर्स पे ठीक है हम लोगों के लिए जाके वहाँ पे वो वॉर लड़ते हैं या फाइट करते हैं तो वो टाइप ऑफ एक्शन को हम क्या बोलते हैं सोशल एक्शन तो प्रेजेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल इज इम्पोर्टेंट एंड सम मीनिंग इज इम्पोर्टेंट कि आपका जो एक्शन हो वो कॉन्शियसली आपने परफॉर्म किया हो उसको कोई आप मीनिंग देते हो इन्होंने इसमें से एक्सक्लूड किए थे जो इमिटेटिव एक्शन है किसी को देख के बस कॉपी करना और मास कंडीशनड एक्शन्स के आप देख रहे हो कहीं पे जाके आ, कोई एक मास कहीं पे लड़ाई चल रही है आप भी जाओ और झुंड में शामिल हो जाओ ठीक है वो एक कॉन्शियसली परफॉर्म एक मीनिंगफुल एक्शन नहीं होता है उनको इन्होंने कैटेगोरिकली एक्सक्लूड किया था सोशल एक्शन से क्योंकि मैंने आपको कहा कि पॉजिटिविज्म पे बिलीव करते थे तो कॉज एंड इफेक्ट जो है इस्टेब्लिश करना वो इनके लिए इंपॉर्टेंट था कि चीज़ों को समझो उनके कॉज एंड इफेक्ट से इन्होंने कुछ मेथड्स भी दिए थे मीनिंग्स को इस्टैब्लिश करने के लिए अब देखो मीनिंग्स इनके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें क्या, क्या कहा था सोशल एक्शन के पीछे कोई मीनिंग होना चाहिए और हमारा काम क्या है उसी मीनिंग को इंटरप्रेट करना अब इन्होंने कुछ मेथड्स भी दिए थे कि हम मीनिंग जो है वो कैसे समझ सकते हैं इंडिविजुअल के एक्शन के तो पहला मेथड है उसको आप बोलते हैं वर्स्टर्न अप्रोच वर्स टर्स अप्रोच होता है सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्शन सब्जेक्टिव कि जो सब्जेक्टिव क्या होता है जो आपने खुद अपने एक्शन को मीनिंग दिया है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैं इसको कैसे इंटर मतलब मेरा क्या मकसद है या मेरा क्या मीनिंग है आपको पढ़ाने के पीछे इस चीज को इंटरप्रेट करना चाहिए सोशल रिसर्चर को उसको सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी नहीं थोपनी चाहिए उसको सब्जेक्टिव लेवल पे अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको बढ़ाना चाहिए इसको हम वर्सटन अप्रोच बोलते हैं ठीक है तो आपको समझना क्या है बेसिकली आपको सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस एक्शन uh, की सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग जो किसके अकॉर्डिंग एक्टर के अकॉर्डिंग की सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग दैट मीन जो एक्टर ने अपने एक्शन uh, को मीनिंग दिया है इसको हम अगर फर्दर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अगर कोई एक स्टूडेंट है ठीक है कोई एक स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल राज ठीक है अब राज क्या करता है राज क्लास में वो एक वो एक टॉपर है क्लास का और टॉपर्स की क्या निशानी होती है टॉपर्स की एक निशानी होती है वो जल्दी आंसर करते हैं क्वेश्चन को आंसर क्वेश्चन क्विकली ठीक है वो जल्दी जल्दी आंसर करते हैं कोई सोशल रिसर्चर है वो इस चीज को रिसर्चर जो है वो इस चीज पे रिसर्च कर रहा है इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका काम क्या है देखना अब राज जो आंसर कर रहा है उसके काफी रीजंस हो सकते हैं पहला कि वो चाहता है एक इम्प्रेशन जमाना टीचर पे वो क्लास को अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू डोमिनेट करना चाहता है ठीक है वो चाहता है किसी एक फ्रेंड को इम्प्रेस करना तो काफी रीजन हो सकते हैं राज क्यों जल्दी आंसर कर रहा है फ्रेंड को इम्प्रेस करना तो अगर सोशल रिसर्चर ये चीज राज का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा है वो क्या देखेगा उसको ये समझना है कि राज अपने एक्शन को क्या मीनिंग दे रहा है क्या वो बस टीचर का फेवरेट बनना चाहता है इस वजह से जल्दी आंसर करता है या वो अपनी इंटेलिजेंस को शो ऑफ कर रहा है क्लास के सामने ताकि मैं क्लास में सुपीरियर स्टूडेंट काउंट हो, हो जाऊं या कोई एक फ्रेंड है उसका जिसको वो अपने आंसर के थ्रू इंप्रेस करना चाहता है तो रिसर्चर का इंटरेस्ट होना चाहिए राज अपने एक्शन को क्या मीनिंग दे रहा है यही इसका मीनिंग होता है कि सब्जेक्टिव होनी चाहिए आपको एक्शन की कि जो एक्टर है वो क्या एक्शन को ठीक है आइडियल टाइप बेसिकली है कुछ नहीं अगर आपको लेम एंड टर्म्स में समझने जाओ तो आइडियल टाइप सिंपली एक फ्रेमवर्क है किसी एक चीज का एक जनरल फ्रेमवर्क बना देते हो फॉर एग्जांपल आपने एक रिलीजन का फ्रेमवर्क बनाया या yeah, आप देखो आपने डेमोक्रेसी का आइडियल टाइप बनाया अब इस आइडियल टाइप में क्या होगा आपको कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो एक्सेप्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे डेमोक्रेसी के आप वो इसमें मेंशन करोगे जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है इसमें कि एटीन अबो राइट टू वोट होगा तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ठीक है ठीक है इसमें गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल वाला कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं कोलिशन पार्टीज बनने के चांसेस होते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम होता है कोलिशन पार्टी सिस्टम तो ऐसे करके जो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट उसका आप एक फ्रेमवर्क बनाओगे आप अगर दुनिया में कहीं भी आप डेमोक्रेसी स्टडी कर रहे हो तो ये फ्रेमवर्क आपके पास एक रेडीमेड मटेरियल हो जाएगा रेडीमेड मटेरियल अब इससे क्या बनेगा आपका जो रिसर्च है वो क्विक इजी हो जाएगी अगर आपको डेमोक्रेसीज कंपेयर करना है तो आप ये आइडियल टाइप यूज करके डेमोक्रेसीज को कंपेयर भी कर सकते हो ठीक है और क्या कर सकते हो कोई भी डेमोक्रेसी दुनिया की आप स्टडी कर सकते हो वैसे ही इनका मानना था वैसे भी करके भी मीनिंग एस्टेब्लिश कर सकते हो आप आइडियल टाइप बनाओ इसको वन साइड एसेंचुएशन ऑफ वन आर मोर पॉइंट्स ऑफ व्यू कहा था वन साइड इसलिए क्योंकि आइडियल टाइप जो है ये बनाता कौन है रिसर्चर बनाता है तो कहीं ना कहीं इसमें जो रिसर्चर का व्यू पॉइंट है वो इन्वॉल्व होता है रिसर्चर के व्यू पॉइंट पे ये डिपेंडेंट होता है ठीक है इसीलिए इसको वन साइड एसेंचुएशन या वन साइड एग्जैजरेशन भी कहा जाता है कॉजल प्लूरलिस्ट मेथड उन्होंने कहे थे कि उस पर फोकस किया था कि हमारे जो मेथड्स हैं वो कॉजल प्लूरलिस्ट होने चाहिए थे होने चाहिए इसको प्रॉबेबलिज्म भी बोला जाता है प्रोबेबलिज्म ठीक है इसका क्या मतलब होता है उन्होंने रिजेक्ट किया था मोनोकॉजल अप्रोच कि एक चीज का कॉज एक ही हो सकता है वो कहते थे डिस्कवर करो कोई भी अगर चीज हो रही है उसके एक से ज्यादा कॉजेस भी हो सकते हैं तो मोनोकॉजल को उन्होंने रिजेक्ट किया था कि एक ही कॉज पे फोकस करो उन्होंने हमें कहा था वैल्यू फ्री वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच होना जो आप रिसर्च करते हो वैल्यू फ्री या वैल्यू न्यूट्रल रह वो हमारे लिए काफी मुश्किल है तो हमारा जो फोकस है वो वैल्यू रेलिवेंस पे होना चाहिए वैल्यू रेलिवेंस क्या होता है कि आपके लिए तो वैल्यू न्यूट्रल uh, का ये ऑपोजिट आप इसको बोल सकते हो वैल्यू रेलिवेंस मीनिंग कि कहीं ना कहीं आपकी अपनी वैल्यूज होंगी एक रिसर्चर की आप अगर टॉपिक चूज करें चॉइस ऑफ टॉपिक उसमें कहीं ना कहीं आपका अपना वैल्यू होगा कि मुझे कौन सा टॉपिक चूज करने आप अपनी मर्जी से करोगे तो किसी एक पॉइंट तक ये अपने वैल्यूज होना रिसर्चर की ये जायज है उसके बाद उस पॉइंट पे स्टॉप कर दो आपने चूज कर लिया ठीक है वो मेंशन करो आपकी वैल्यूज कहाँ कहाँ आपने जो है अपनी मर्जी से जो टॉपिक चूज किया है उन चीजों को रिटर्न में आप मेंशन करो उसके बाद उस चीज को स्टॉप करो और अपनी रिसर्च जो है ऑब्जेक्टिवली इफेक्ट करके या मीनिंग स्टैब्लिश करके या साइंटिफिक मेथड से अपनी जो रिसर्च है वो आगे कंटिन्यू करो ठीक है इसमें क्योंकि सोशल रिसर्च में वी हैव टू बी एज ऑब्जेक्टिव एज वी कैन बी लेकिन उन्होंने इस पॉइंट को एड्रेस किया हाँ किसी एक टाइम तक आपकी वैल्यू सब्जेक्टिविटी आएगी रिसर्च में उन कंसर्न्स को आप मैंशन करो सब्जेक्टिविटी कहाँ कहाँ आ रही है फिर उसको स्टॉप करो और अपनी जो रिसर्च है वो कुछ मेथड्स लेके मैथेडोलॉजी लेके आप कंडक्ट करो इन्होंने सोशल एक्शन दिया था वो मैंने आपको बताया सोशल एक्शन क्या होता है अगर दोबारा यहाँ पे आए एक एक्शन जिसका कोई मीनिंग हो और प्रेजेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल हो दैट मीनस हमारा जो एक्ट है इट शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर इंडिविजुअल अगर सिंपली आप पार्क में बैठ के कोई बुक रीड कर रहे हो वो सोशल एक्शन नहीं होगा क्योंकि वहां पे प्रेजेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल जो है वो एबसेंट है अब इस सोशल एक्शन के इन्होंने हमें कुछ टाइप्स दिए थे आ, ये हम दूसरी स्लाइड एक मिनट सोशल एक्शन के इन्होंने हमें टाइप्स दिए थे फोर टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन पहला हो गया ट्रेडिशनल सोशल एक्शन ट्रेडिशनल रिलेटेड होते हैं हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज बिलीफ से फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस एक्शन जो हम ज़्यादा सोच समझ के नहीं करते लेकिन रिलीजन में है हमारे बिलीफ वैल्यू सिस्टम से रिलेटेड है तो इसीलिए हम वो एक्शन परफॉर्म करते हैं सेकेंड इज योअर इफेक्टिव सोशल एक्शन ये आपके वो एक्शन है जो जनरेट करते हैं आपका इमोशन आपका रिस्पॉन्स जो डिपेंड होता है वो आपके इमोशन पे होता है इफेक्टिव सोशल एक्शन में वो कैसे इमोशन होते हैं वो इमोशन ऑफ लव भी हो सकता है फेयर भी हो सकता है हेटरेट भी हो सकता है ठीक है एंगर भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा या चीज़ या खुद भी एक्सपीरियंस की होगी अगर किसी का छोटा बच्चा होगा छोटे बच्चों की यूजली की आदत होती है वो सॉकेट में जाके उंगलियां डालते हैं या आप जिस चीज के लिए उनको मना करो वो आग की तरफ जाएंगे वो किसी गर्म चीज की तरफ जाएंगे तो माँ क्या करती है अगर वो एकदम से डर जाए उसका एक इमोशन वो जनरेट होता है फेयर वाला वो जाके वो उस टाइम पे बच्चे को थप्पड़ भी मार सकती है ठीक है तो वो एक्शन जो कोई आपके जिसके पीछे आपका कोई इमोशन जनरेट हुआ हो वो इमोशन लव का भी फेयर का हेटेड का एंगर का हो सकता है आउट ऑफ लव आप कोई चीज करो कोई सोशल एक्शन करो या आउट ऑफ फेयर इमोशन आप कोई सोशल एक्शन करो वो सारे इफेक्टिव में आते हैं थर्ड इज युबैक रेशनल जुबैक रैशनल सोशल एक्शन ये वो सोशल एक्शन है जिसके गोल्स और मीन्स उन गोल को अचीव करने के दोनों रैशनली डिसाइडेड होते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी एस्परेंट हो तो आपका गोल क्या है आई ऑफिसर बनना उसके लिए आप कोई रैशनल मींस यूज करते हो आप कोचिंग्स लेते हो आप मेरे वीडियोज देखते हो या आप सेल्फ स्टडी करते हो ठीक है आई एस ऑफिसर बनने के लिए आप जाके किसी एक सीनियर को ब्राइब तो नहीं करोगे ना वो अचीव करने के लिए वो रैशनली डिसाइडेड मीन नहीं होगा एक रैशनल गोल है और उसके लिए आप रैशनल और लॉजिकली डिसाइडेड मीन जो है वो यूज करते हो तो आई एस ऑफिसर बनने का क्या लॉजिकल होगा कि आप जाके एक टाइम टेबल बनाओ न्यूज पेपर पढ़ो ठीक है अच्छे से पढ़ाई करो इतने आवर्स जो है वो स्पेंड uh, करो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो ये सारे लॉजिकली डिसाइडेड मीन्स होते हैं फिर फोर्थ सोशल एक्शन इज ए वर्ड रैशनल वर्ड रैशनल सोशल एक्शन क्या होता है इसमें जो आपका गोल होता है वो डिसाइडेड बाय वैल्यूज होता है डिसाइडेड बाय वैल्यूज लेकिन उसके लिए जो मीन्स होते हैं वो रैशनल और लॉजिकली डिसाइडेड मीन्स होते हैं रैशनल एंड लॉजिकली डिसाइडेड मीन्स आप उन वैल्यूज को उन गोल्स को अचीव करने के लिए एम्प्लॉय करते हो फॉर एग्जाम्पल सोल्जर्स देखो सोल्जर्स का काम क्या होता है वो जाके बॉर्डर्स पे फाइट करते हैं तो उनको पता होता है कि हो सकता है हम जिंदा रहे ना रहे वो आ, अपनी जिंदगी से उतना ज्यादा उनको लगाव नहीं होता है तो उनका गोल कहाँ से आया होता है बेसिकली सोसाइटी की वैल्यू से नेशनहुड से अपने नेशन से प्यार करना अपनी मदरलैंड से प्यार करना वहां से उनका वो गोल आता है जो उनको ये डिसाइड करने पे वो ये हो जाते हैं अगरी कि हमें सोल्जर बनना है वो उनका गोल जो होता है वो वैल्यूज पे डिपेंडेंट होता है लेकिन वो करने के लिए उनको क्या मीन्स चाहिए होते हैं उनको एक एग्जाम क्वालिफाई करना होता है उनको एक ग्रिलिंग ट्रेनिंग के थ्रू जाना होता है फिर जाके वो कहीं ना कहीं सोल्जर बनते हैं तो जो मीन्स है वो रैशनल और लॉजिकल है हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि उसको अपनी कंट्री से बहुत प्यार था इसीलिए वो टेररिस्ट बन गया वो चीज़ नहीं हो सकती कंट्री को बचाने के लिए वो उसने क्या किया उसने ऐसा वाला रास्ता जो है वो चूज़ किया वो वर्ड रैशनल सोशल एक्शन नहीं आएगा आपके जो मीनस है वो रैशनल और लॉजिकल होने चाहिए और इसमें क्या है मोस्टली एस एस बी वो एस एस आर बी वाले एग्जाम्स जो है वो क्वालिफाई करते हो आप और फिर जाके आप आर्मी में भर्ती होते हो आप ट्रेनिंग करते हो आप गवर्नमेंट ट्रेनिंग करवाती है और फाइनली आप एक सोल्जर बनते हो क्योंकि आपका जो गोल है वो आपके वैल्यू ड्रिवन गोल है आपका कि आपको अपनी नेशन की प्रोटेक्शन करनी है ठीक है तो ये हो गया फोर टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन इन्होंने कैटेगरीज ऑफ आइडियल टाइप्स दिए थे आइडियल टाइप को इन्होंने कैटेगराइज किया था पहला हो गया हिस्टोरिकल पर्टिकुलर आइडियल टाइप जिसमें ये जो हिस्ट्री के इवेंट्स है कोई हिस्टोरिकल पुराने रिलिजन हो गए उनका आइडियल टाइप बनाते थे ठीक है दूसरा हो गया आइडियल टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी जैसे अथॉरिटी पावर स्ट्रक्चर वगैरह उसका आइडियल टाइप बना लिया तीसरा हो गया आपका आइडियल टाइप ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर पर्टिकुलर बिहेवियर जैसे आपका इकोनॉमिक पॉलिटिकल बिहेवियर उन सबका या स्ट्रक्चरल आइडियल टाइप जिसमें सोशल एक्शन के कॉजेज कॉन्सिक्वें जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल डोमिनेशन उसके वो एक टाइप का एक्शन उसके क्या कॉन्सिक्वेंस कॉजेज हैं उन सब चीजों का आइडियल टाइप स्ट्रक्चरल आइडियल टाइप्स स्ट्रक्चरल आइडियल टाइप्स ठीक है तो ये चार टाइप ऑफ आइडियल टाइप्स उन्होंने कैटेगराइज करके रखे थे ऑलरेडी अथॉरिटी पे उन कुछ बोला था अथॉरिटी का उनने कहा था कि जब आपका जो पावर है वो लेजिटिमेट हो जाता है वो बनता है अथॉरिटी ठीक है अब लेजिटिमेट होना क्यों इंपॉर्टेंट है देखो पावर बहुत लोगों के पास होता है क्रिमिनल्स के पास भी पावर है गैंग्स क्रिमिनल्स के पास पावर है ठीक है यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे गैंगस्टर्स के पास पावर है लेकिन क्या आप वो पावर मानोगे आप किसी क्रिमिनल के पावर से और डरोगे लेकिन आप जो हम बातें यूजली बोली जाती है वो सुनो प्रैक्टिकली तो आप डरोगे लेकिन डरना नहीं चाहिए एक क्रिमिनल से नहीं डरना चाहिए ना क्रिमिनल के पास पावर है तो आप क्यों डरोगे आपके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट है लेकिन जब उस पावर को लेजिटिमेट बनाया जाए उसको लेजिटिमेसी मिलती है ठीक है जैसे कोई ब्यूरोक्रेट है आई ऑफिसर है उनके पास ही पावर है और उनके पावर से आपको डरना भी होगा क्योंकि उनका जो पावर है वो एक्सेप्टेड बाई सोसाइटी है वो लेजिटिमेट पावर है जब पावर को लेजिटिमेसी मिलती है वो अथॉरिटी बनता है ठीक है तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी जो है एक अथॉरिटी को डिपेक्ट करने का एक ऑर्गेनाइजेशन बताया था एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे अथॉरिटी स्ट्रक्चर जो है वो सोसाइटी में चलता है और ब्यूरोक्रेसी का उन्होंने हमें आइडियल टाइप भी दिया था ठीक फिर उनका काफी और ब्यूरोक्रेसी से उन्होंने रिलेट किया था आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी ऑल दो ब्यूरोक्रेसी को वो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन या जो मॉडर्न सोसाइटी uh, का एक रैशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफेक्ट एग्जांपल कहते हैं लेकिन उसको आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी भी कहा था क्योंकि कहा था इट रेड्यूसेज मैन टू अयर कॉग इन अ मशीन अब कॉग इन अ मशीन क्या होता है देखो अगर आप ये एग्जाम्पल एक मैं आपको बताती हूँ फॉर एग्जाम्पल एक साइकिल व्हील होता है ऐसे या किसी मशीन में व्हील्स होते हैं और उनके यहाँ पे थोड़े थोड़े स्पाइक्स होते हैं ऐसे 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 करके ठीक है वो स्पाइक्स ऐसे डिजाइन होते हैं कि जो व्हील्स ये जो मशीन है ये ऐसे ऐसे करके खुद जो है वो ऑपरेट मतलब इनके लिए ईजी हो जाता है वो एक uh, पोजिशन में आना ठीक है तो इनको हम कॉग्स बोलते हैं तो कॉग्स क्या होंगे आप आप एनालजी ड्रॉ करो वो कॉग्स बिना सोचे समझे बस चलता जाता है वो व्हीली जो है वो चलता जाता है वैसे ही करके एक ब्यूरोक्रेट जो फाइनली एक कॉग इन्हें मशीन बन जाता है क्योंकि उसका अपना कोई क्रिएटिविटी नहीं रहती है वो रूल बुक पे इतना जाता है कि उसको सिर्फ रूल्स फॉलो करने होते हैं तो अपना जो उसका इंडिविजुअलिटी है अपनी क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाती है इस वजह से आयन की जो फ्रेशनैलिटी को इन्होंने थोड़ा नेगेटिव भी हमें ब्यूरोक्रेसी का बताया था कि कोई और पहले कोई और इस चीज को पॉइंट आउट करे इससे पहले इन्होंने खुद ही क्रिटिसिज्म अपनी ब्यूरोक्रेसी थियरी का दिया था ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोप्ट का जिसमें इन्होंने कहा था मैन जो है टू कॉग इन मशीन ठीक है अब इन्होंने और क्या किया था इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका वेबर का प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इन्होंने रिलीजन को स्टडी किया था वर्ल्ड के मेजर रिलीजन को स्टडी किया था और इस चीज में इन्होंने क्या कहा था प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में इन्होंने कहा था कि ये जो रिलीजन होते हैं जैसे आपका प्रोटेस्टेंटिज्म है ठीक है इन्होंने कहा था जो प्रोटेस्टेंटिज्म है उसमें ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट थे जिन्होंने बूस्ट किया आपकी ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म को ठीक है तो इन्होंने एक रिलीजन का फैक्टर जो है या रिलीजन चीज जो है सोसाइटी की उसको रिलेट किया आपकी इकोनोमी से इसके लिए इन्होंने क्या किया इन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म का मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म जिसको हम कैल्विनिज्म बोलते हैं, कैल्विनिज्म को लिया कैल्विनिज्म को इसका इन्होंने एक आइडियल टाइप बनाया फिर उन्होंने कैपिटलिज्म लिया कैपिटलिज्म का आइडियल टाइप बनाया और उन दो चीजों का रिलेशन इन्होंने ड्रॉ किया और फाइनली कंक्लूड किया कि ऐसे फीचर्स प्रेजेंट थे कैलवेजम में जिसने बूस्ट किया कैपिटलिज्म को जैसे ये बोलते थे टाइम इज मनी ठीक है वो टाइम इज मनी कैपिटलिज्म के काम भी आया ये बोलते थे लग्जरियस लाइफ हमें नहीं जीनी चाहिए पैसा जो हमें सेव करना चाहिए फाइन लग्जरियस लाइफ नहीं जीनी चाहिए और पैसा सेव करना चाहिए वो किसके काम आया कैपिटलिज्म के कि आपके जो पैसे आ रहे हैं कैपिटल आ रहा है उसको आप रीइनवेस्ट करो उस पर फ्ट नहीं बनो मीन फजूल खर्ची जो है उसको अवॉइड करो और कैलवनिज्म में इन्होंने देखा वर्क इज वर्शिप वाला कॉन्सेप्ट है कि काम जो है काफी इंपॉर्टेंट है दुनिया के जो प्लेजर्स हैं इनके पीछे नहीं भागो ये वर्क इज वर्शिप भी किसके काम में कैपिटलिस्ट के काम में क्योंकि उन्होंने यही थ्योरी चला के यही कॉन्सेप्ट ला के वर्कर्स को काफी ज्यादा काम जो है वो उनसे लिया और फाइनली जो प्रॉफिट आया उसको एक्यूमुलेट किया उसमें उन्होंने फजूल खर्ची नहीं की लग्जरियस लाइफ ज्यादा वो कहते थे नहीं जी नीचे दैट मीन जो भी प्रॉफिट आएगा उसको आप क्या करो रीइनवेस्ट करो तो ऐसी सारी चीजें जो है वो आइडियल टाइप इन्हें प्रोटेस्टेंटिज्म का बनाया कैलवनिज्म का और आइडियल टाइप इन्होंने कैपिटलिज्म का बनाया इन दो चीजों को रिलेट किया और कहा प्रोटेस्टेंटिज्म में ये फैक्टर्स प्रेजेंट थे जिससे कैपिटलिज्म को वहां काफी ज्यादा बूस्ट मिला तो कैपिटलिज्म के ग्रो होने में इस रिलीजियस फैक्टर का बहुत बड़ा हाथ है और ये चीज पॉसिबल हुई थी थ्रू हिज थियोरी ऑफ आइडियल टाइप्स ठीक है इन्होंने ऑल दो ये चीज कही थी लेकिन इन्होंने ये भी कहा था कि स्पिरिट के साथ साथ सब्सटेंस भी प्रेजेंट होना चाहिए अब क्यों हुआ प्रोटेस्टेंटिज्म या प्रोटेस्टेंट्स में ही क्यों कैपिटलिज्म जो है वो ग्रो किया क्योंकि इन्होंने क्या किया था कैपिटलिज्म में इन्हें बड़े बड़े जो क्लासेस हैं बिजनेस लीडर्स वगैरह कैपिटलिस्ट बड़े बिजनेस ओनर्स उनको देखा मेजोरिटी वो प्रोटेस्टेंट्स थे फिर ऐसा क्यों हुआ इन्होंने कहा एक तो प्रोटेस्टेंट्स थे दैट मीन्स रिलीजियस आइडियोलॉजी प्रेजेंट थी उनके पास वो स्पिरिट प्रेजेंट था और उनके पास स्पिरिट के साथ साथ पैसा भी था दैट मीन स्पिरिट और सब्सटेंस दोनों उनके पास प्रेजेंट थे इस वजह से वहां पर राइज ऑफ कैपिटलिज्म हुआ ठीक इलेक्टिव एफिनिटी का कॉन्सेप्टों इन्होंने दिया इलेक्टिव एफिनिटी मीन जब आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो तो दो चीजों के कंपैरिजन में कुछ प्रिंसिपल्स में एफिनिटी है आपस में जैसे यहाँ पे प्रोटेस्टेंट एथिक्स में एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में कैपिटलिज्म और कैलवेजम के कुछ प्रिंसिपल्स में आपस में एफिनिटी है वो सिमिलर है इस वजह से वो दोनों साथ साथ चीजें चली इन्होंने स्टडी किया सिक्स मेजर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड जिसमें हिंदुइज्म क्रिश्चैनिटी जूडिज्म कन्फ्यूशिज्म कन इसकी स्पेलिंग आप एक बारी चेक कर लेना एंड यूर बुद्धिज्म ठीक है इस्लाम को भी इन्हें स्टडी किया पर ज्यादा हम आ, उस चीज को रिलेट नहीं करते इनकी स्टडीज से ठीक तो है सिक्स मेजर रिलीजन अगर आए तो यही रिलिजन है इन्होंने स्टेटिफिकेशन के बारे में भी बात की ट्रिनिटेरियन व्यू आपको बताई उनकी uh, स्ट्रटिफाइड है, है, है लेकिन इन्होंने ट्रिनिटेरियन व्यू दिया था कि तीन चीजों पे स्ट्रेटिफाइड है एक आपका क्लास पे स्ट्रटिफाइड है और स्टेटस पे है एंड पार्टी पे क्लास आपकी मार्केट सिचुएशन है मार्केट में आप किस कैटेगरी में आते हो ठीक है उनकी जैसी क्लास है उनका वैसे लाइफ चांसेस उनको मिलेंगे दैट मींस क्वालिटी ऑफ लाइफ अपॉर्चुनिटीज उनकी वैसी सेम होंगी स्टेटस को रिलेट किया ठीक है से, और पार्टीज या तो पार्टीज uh, हो गया बेसिकली सोशल एक्विजिशन और सोशल पावर तो वो पावर या तो क्लास बेसिस पावर्स होंगे या तो स्टेटस बेसिस पावर्स होंगे फाइन इसमें इन्होंने पार्टीज में दो टाइप की पार्टीज कहा था पार्टीज ऑफ पेट्रोनेज होती है और पार्टीज पार्टीज ऑफ ऑफ प्रिंसिपल पेट्रोनेज मीनिंग वो पार्टीज पार्टीजो किस पे डिपेंडेंट होती है कोई रिलेशन जो होता है आपके सुपीरियर या आपका जो लीडर है पॉलिटिकल लीडर और उसके आपके बीच में कोई पर्सनल बिलीफ पर्सनल रिलेशन है पार्टीज ऑफ प्रिंसिपल होती है वो पार्टी जो किसी एक प्रिंसिपल को फॉलो करती है किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है कुछ टाइप्स ऑफ रैशनलिटीज भी इन्हें दी थी फॉर्मल सब्टेंसिव थियोरटिकल एंड प्रैक्टिकल कॉन्स्टेंट सम पावर की बात कही थी इसको जीरो सम पावर भी कहते हैं जीरो सम पावर या जीरो थियरी ऑफ पावर इसका क्या मतलब है जो कॉन जो पावर है वो कॉन्स्टेंट है मीन्स अगर किसी इंडिविजुअल के पास पावर है तो वो पावर है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स ठीक है पावर है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स स अगर कोई एक पावरफुल है तो दूसरा पावरफुल नहीं होगा पावर एक टाइम पे एक कैटेगरी के पास होगा अगर वो पावरफुल है दैट मीन्स उसके पास वो पावर है क्योंकि दूसरे के पास वो पावर नहीं है टोटल अमाउंट ऑफ पावर जो है वो जीरो या कॉन्स्टेंट रहता है इन्होंने चार टाइप्स ऑफ क्लासेस दी थी मैक्स वेब जैसे हमें कार्लमार्क्स ने टू टाइप्स दी थी अः प्रोलेटेरियट्स एंड बरजो इन्होंने कहा था प्रॉपर्टीड क्लास भी है नॉन प्रॉपर्टीड है पेटेड बर्जोआ है एंड मैनुअल लेबर क्लास भी है फाइन इन्होंने ने फॉर्च्यून मिसफॉर्च्यून एनालिसिस दिया था और थियोडिसी एंड सोटियोलॉजी से रिलेटेड बेसिकली रिलीजन को रैशनलाइज करने के लिए इन्होंने दो चीजें दी थी हमें एक थियोडिसी थी एंड योर सोटियोलॉजी थियोडिसी क्या कहता है जो गॉड क्रिएटेड सोसाइटी है उसमें कहीं ना कहीं इवल भी प्रेजेंट है ठीक है और सोटियोलॉजी है ये आपको सेलिवेशन से रिलेट करता है सेलिवेशन जैसे हिंदूज में लिबरेशन uh, आप बोलते हो फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ वो मोक्ष मिलना सेलिवेट हो जाना ठीक है मोक्ष मिलना फॉर्च्यून मिसफॉर्चून एनालिसिस क्या होता है जैसे इन्होंने कहा था वो कैटेगरी ऑफ लोग जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं अपनी पोजिशन को वो उन्होंने एक सोशल रियालिटी क्रिएट की है फॉर एग्जाम्पल जैसे जो मिसफॉर्चुन एनालिसिस के हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो प्रिवलेज जिनके पास हैं दुनिया में वो प्रिवलेजेस जो है दैट इज अ साइन ऑफ इवेल प्रेजेंट इन द सोसाइटी और जो फॉर्चुनेट कैटेगरी वाले लोग हैं फॉर एग्जाम्पल जो आपके रिच पावर हैं रिच लोग हैं वो कहते हैं ये जो प्रिविलेजेस हमें मिले हैं इट इज अफ फॉर्चून फॉर दे और मिस फॉर्चून वाले क्या कहते हैं वो कहते हैं जो प्रिविलेजेस है इट इज अफ एविल तो अगर कोई पोअर अपनी कंडीशन को एक्सप्लेन करना चाहे रिलीजियस तरीके से तो वो थियोडिसी ऑफ मिस फॉर्च्यून यूज करेगा की प्रिविलेजेस एविल की निशानी है और फॉर्चून वाले बोलेंगे ये फॉर्च्यून या गुड या फॉर्चुनेट कंडीशन होने की निशानी है जो सोसाइटी में प्रिविलेजेज एग्जिस्ट करती है ठीक है इंपॉर्टेंट वर्क इनके देख लो मेथो मेथेडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसिस ऐसे लिखे गए थे बिटवीन दिस टू दिस ईयर प्रोटेस्ट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ठीक है ये हमने पढ़ लिया रिलीजन ऑफ चाइना मैंने आपको कहने मेजर रिलीजन जो है जैसे कॉन्फ्यूशनिज्म वगैरह वो चाइना का रिलीजन था वहा वो स्टडी किया था द दियोरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट बुक है काफी बार एग्जाम में आ चुका है द सिटी रिलीजन ऑफ इंडिया साइंस एज वोकेशन पॉलिटिक्स एज वोकेशन इकोनॉमी एंड सोसाइटी क्योंकि कहीं ना कहीं इकनॉमी रिलीजन से रिलेटेड बातें की थी थ्री टाइप्स ऑफ लेजिटिमेट रूल ये हो गया इनकी इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स और ये सारे इनके कॉन्सेप्ट जो मैंने एक्सप्लेन किए आई होप ये आपको सारा समझ में आ गया हो तो डू गिव थम्स अप लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें योर फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट थिंग करके रैपिड रिविजन डिस्कस करेंगे सो टिल द टाइम अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे